देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पूरा हमारा कस्टम कॉलम पे बेस है कि हमें बीजी में कस्टम कॉलम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग प्रोडक्शन की जो भी रिपोर्ट देखते हैं वो सारी यहाँ से आप लोग काम कर लेते हैं स्टॉक जनरल में, फिर ट्रांसफर पे जाते हैं और माल को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉब्लम आती है इनकी रिपोर्टों में, किसी ने कहा कि आप ऐसा करो मुझे स्लॉट नंबर 1 की डिटेल दिखाओ कि कब कब कहाँ कहाँ गया। तो आप लोग कैसे निकालते हो, आपके पास क्या होता है, फिल्टर होता है। आप F7 करोगे यहाँ पे फिल्टर ऑन होगा, आइटम डिटेल लेंगे, आपको हैविंग ले लो और बोलो क्या ढूंढना है मुझे, 1001 फिल्टर पे क्लिक करो और जैसे ही आप फिल्टर करोगे आपके पास रिपोर्ट आ गई। किसकी रिपोर्ट आ गई, डिजाइन नंबर 1 की आ गई। लेकिन ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके ना तो रेट प्राइस उठ के आता, ना ही इसकी कितनी पीस के पैसे लगे, वो सारी चीजें नहीं आती। किसी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट मुझे निकाल के दिखाओ कि एक लॉट नंबर वाइज जिससे मैं इजी वेरीफाई कर सकूं। तो हम लोग कहां से निकालते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या बताते हैं, कोड के साथ क्यू होती है, हम क्यू दबा देंगे फिर कहां जाएंगे ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट में। एक और भी तरीका होता है कि आप ना इसको एड टू फेवरेट बना लो, क्या बना लो, फेवरेट। तो ये फेवरेट कैसे बनता है, आप इस बटन पे क्लिक करो, जैसे आप इस पे ओके करेंगे ना ये आपका फेवरेट बन जाएगा। फेवरेट बन के कहां शो होगा आपको, ये फेवरेट में। आप इसको सारे मेन्यू को हाइड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बाकी सब हाइड हो जाएंगे आपकी बीजी में, वही ऑप्शन दिखेंगे फेवरेट और आपकी रिपोर्टें और आपको कुछ भी टॉपिक नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने फेवरेट को डिलीट करना है जहां पर लिखा हुआ है डिलीट और शो मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। फेवरेट कैसे बनते हैं समझ में आ गया, दो तरीके, या तो आप शॉर्टकट बना लो या तो क्या बना लो आप ऐड टू फेवरेट, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं, देन यहाँ पर लिखा मैंने कंट्रोल के साथ 1 और किस पे क्लिक कर दिया, सेव बटन पे। क्या लिख के आ रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी मेरे पास कोई ना तो कंट्रोल बटन दबाए ना ही ऑल बटन, तो मुझे इसको प्रेस करना है एंड देन सेव पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज क्या शो होगा, कंट्रोल प्लस 1 इसकी शॉर्टकट की बन गई। देन आप इस पे एंटर मारेंगे, क्या पूछेगा, देन क्या लिखा है, ऑल वाउचर टाइप ओनली या सिलेक्ट वाउचर, तो आप इसमें कौन सा लोगे, सिलेक्ट वाउचर मल्टी ऑप्शन। जैसे आप इस पे इंटर मारोगे ना आपकी स्क्रीन पे कुछ मैसेज शो होंगे, कह रहा है इन्वेंटरी वाइज वाउचर चेक करना है, अकाउंटिंग वाउचर चेक करना है या मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। मैन्युफैक्चरिंग में बीजी में तीन ही ऑप्शन होते हैं, प्रोडक्शन, अनअसेंबल और स्टॉक जनरल। अकाउंटिंग में क्या होते हैं आपके, पेमेंट रिसीव जनरल कॉन्ट्रा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, और इन्वेंटरी वाउचर में परचेज स्टॉक ट्रांसफर सेल रिटर्न मटेरियल इश्यू सेल और सेल रिटर्न। किस पे क्लिक करोगे आप, स्टॉक ट्रांसफर, किस पे क्लिक करेंगे आप, स्टॉक ट्रांसफर पे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे एंड यहां से पूछ रहा है आपसे सीरीज। आप जानते हो सीरीज क्या होती है, मेन वाली होती है, देन आता है सोर्स एमसी और टारगेट एमसी। सबसे पहले सोर्स एमसी समझ लो, टारगेट एमसी समझ लो। आप कंट्रोल ऑल्ट टी दबाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, डायरेक्ट स्टॉक स्टेटस पे आ गए, कहां पर आ गए, स्टॉक ट्रांसफर पे आ गए। इस पे एंटर करेंगे तो दो ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स एमसी, क्या बोलते हैं, सोर्स एमसी, और टू वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट एमसी। समझ में आया, फ्रॉम वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स एमसी, और टू वाले को टारगेट एमसी हो जाएगा। कभी कभी इनके नाम चेंज कर देते हैं लोग, फ्रॉम के नाम चेंज हो सकता है, ये टारगेट बन जाएगा और ये कौन सा बन जाएगा आपका, सोर्स बन जाएगा। कैसे बनता है, आपको इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा होता है, फ्रॉम वाले को क्या बोला है, सोर्स है, तो फ्रॉम वाले को आप क्या बना दो, टारगेट है। आप इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, देन समझ में आया। वो पूछ रहा है आपसे कि सोर्स एमसी एक रिपोर्ट के हिसाब से देखना है या सारी रिपोर्ट के हिसाब से, अगर आपको वन पार्टी के हिसाब से देखना तो किस पे क्लिक करेंगे, सोर्स एमसी।
जैसे आप इस पे एंटर मारोगे आपसे पूछेगा किसकी रिपोर्ट देखनी है, मैंने बोला सर कटिंग रोहित जी की देखनी है, आ गया। देन मैंने ओके करा, एफ टू करा, तो मुझे यहाँ पर डिटेल आ गई। क्या डिटेल गिवन हुई है कि मोहित ने, रोहित ने क्या आइटम बनाई है, कितनी क्वांटिटी बनाई है और 90 रुपए प्राइस निकल के आ गया। इस समय इसकी कॉस्टिंग है 87 रुपए प्लस 3 पैसे, कितना हो गया 90 रुपए। टोटल बिल का अमाउंट कितना आ गया 45,000 रुपए। इसने मेन स्टोर में बाकी माल बना के कहाँ रख दिया, मेन स्टोर रख दिया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सर मुझे ये नहीं चाहिए इसने क्या काम करा है, मुझे सर ऐसा करो मुझे सभी का देखना है कि एक आइटम कहाँ कहाँ मूव हुई, तो आपको किस पे क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करना है। फिर आपको उस आइटम का नेम गिवन होगा, उस आइटम का नेम डालना है, क्या डालना है नेम। उसने क्या बोला कौन से आइटम देखने, तो मैंने बोला सर डिजाइन नंबर 1 देखना है। उसके बाद मैंने एफ टू करा और ओके कर दिया, ओके हो गई। यहाँ पर मेरे पास रिपोर्ट आ गई, आगे रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट में क्या बोला उसने, सोर्स एमसी क्वांटिटी यूनिट प्राइस अमाउंट। सर मुझे रिपोर्ट इस तरीके से नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मुझे रिपोर्ट, कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए मुझे रिपोर्ट, इस तरीके से चाहिए जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले सर मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर डेट आनी चाहिए, फिर पार्टी कूलर या पार्टी नेम, देन आइटम नेम, नंबर ऑफ क्वांटिटी, देन उसकी जॉब वर्क, देन उसका टोटल अमाउंट, जॉब वर्क का टोटल अमाउंट, बस मुझे ये रिपोर्टें चाहिए फिलहाल अभी। कहां पर, तो सबसे पहले डेट चाहिए सर, अगर मुझे ऐसी रिपोर्टें बनानी है देन मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है, तो देखो सबसे ऊपर आपको कस्टम कॉलम मिलता है, कहाँ मिलता है कस्टम कॉलम, लेकिन ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता, कुछ स्पेशल वर्जन है जिसमें अवेलेबल होता है। आप सभी जानते हैं वीजी में कितने वर्जन होते हैं, तीन वर्जन होते हैं सर। मिलते कहाँ से, ये सिलेक्ट मॉडल आते हैं, आता है सिलेक्ट मॉडल, पहला बेसिक, फिर स्टैंडर्ड और दूसरा। अगर मैं इस वाले टॉपिक पे क्लिक करके बीजी को सेव करता हूँ, सेव हो गया, ओपन करता हूँ, तो क्या शॉर्ट फॉर्म बन गई बीएम, बीएम का मतलब बेसिक का मल्टी होता है। अगर मैं इस टॉपिक पे क्लिक करता हूँ, किस पे, स्टैंडर्ड पे, और इस पे क्लिक करता हूँ ड्यूल यूजर, तो क्या बन जाएगी एसएस, स्टैंडर्ड का ड्यूल यूजर, क्या बन जाएगी जिसमें दो लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं बीजी पे इस पे क्लिक कर दूं और क्या रख लूं, तो ई इसका और एस इसका, तो क्या बनेगी शॉर्ट फॉर्म ई एस, और क्या नाम हो जाएगा फुल फॉर्म, क्या बोलोगे आप, इंटरप्राइज का सिंगल वर्जन, जिसमें एक वर्जन या एक मेमोरी काम कर सके। मैंने बेसिक पे रखा और इसको सेव कर दिया, सेव हो गई, ऊपर क्या आ गया बी एस, मतलब मैं बेसिक का वर्जन यूज कर रहा हूँ, सबसे लो कॉस्ट वाला। कहाँ गया मैं, ओपन पे, कंपनी का नाम ले लिया होलानी फैब्रिक, यहां से ओपन करी कंपनी, कंपनी ऑन करी, पासवर्ड यूजर डाला और कंपनी ओपन हो गई, हो गई ओपन। देन यहां ध्यान से आओ, कहां गया मैं, फिर सिलेक्ट, फिर ओके, वन आइटम डिजाइन एफ टू, ओके। देन मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, देन क्या आ गया, समझ आया कौन से वर्जन में सर, अगर मेरा छोटा बिजनेस है तो मैं किस सॉफ्टवेयर को प्रेफर करूं, स्टैंडर्ड को या बेसिक को, एक रीजन बताता हूं। अगर आप सर मुझे यहाँ पर सिंगल यूजर, ड्यूल यूजर और मल्टी यूजर का डिफरेंस भी बता के चलो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, क्या है फरक, क्या लिखा हुआ है बी एस, बी एस की फुल फॉर्म, कितने लोग काम कर सकते हैं इसमें, मैंने यहाँ काम कर किस कंपनी को खोल रहा, पासवर्ड यूजर डाला, नहीं खुल रही कंपनी,
एज पासवर्ड एज यू द कंपनी से ओपन कर ली, हो गया ओपन। मुझे इस कंपनी को दूसरे सिस्टम पे ऑन करना है, मैंने बीजी ऑन करा, बी सिस्टम को ऑन करा, एंटर मारा, मैच कितनी कंपनी शो हो रही है सर, क्यों? क्योंकि वो सिंगल यूजर था। सिंगल यूजर का मतलब अगर किसी ने एक बार कंपनी खोल ली तो वो हाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंपनी हाइड हो गई। अब यहाँ दिख रही है वो कंपनी, नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही। अब यहाँ पर देखो, इस कंपनी को बंद कर दिया, बिजी बंद हो गया, एक बार बैक गए, कितनी कंपनी शो हो रही है, तीन शो हो रही है। मैं कहाँ आया, सिलेक्ट बेसिक की जगह मैंने किस पे क्लिक कर दिया, हो गया, हो गया ओपन। एक यहां से ओपन कर ली कंपनी, कंपनी ऑन हो गई, एक बिजी और चलाया, बिजी ऑन हो गया एक और, कितने बिजी खोल लिया मैंने, दो गए। अभी जस्ट मिनट, आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूं, आप कहां जा रहे हो, दो मिनट दो मुझे बस। कंपनी शो हो गई यहां पर, इस कंपनी को भी क्या लिख के आ रहा है, इस सिस्टम में एक बंदा और काम कर रहा है, कर रहा है। अगर ये किसी और सिस्टम पे चलता ना तो ये कंपनी ओपन हो जाती, कंपनी ऑन हो जाती। लेकिन अगर किसी तीसरे सिस्टम पे कंपनी खोलता तो मैसेज आता कि दो बंदे ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन से मोड पे काम कर रहे हैं, ड्यूल। ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो या दो, दो ही मतलब, एक या दो, दो से ज्यादा नहीं, मतलब इस कंपनी कितनी जगह खोल सकते हो आप एक बार में, दो जगह। लेकिन अगर मैं बीजी का कौन सा वर्जन लेता, मल्टी सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको दो या दो से ज्यादा जगह पे चला सकता हूँ। आगे समझ में, अगर आपने इस बेसिक लिया तो कंपनी एक ही बार दिखेगी अगर आपने खोल लिया। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, क्या उन्होंने कंपनी ऑन कर रखी है, कंपनी ऑन कर रखी है, उन्होंने एक और बार बीजी चलाया चलाया और यहाँ उनको कंपनी ही दिख रही, परेशान हो जाते हैं कि सर मेरी कंपनी दिख नहीं है, कंपनी डिलीट हो गई। मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक बार नीचे बीजी देखिए, बीजी दिख रहा है, कहते हैं हाँ बीजी दिख रहा है। मैंने कहा उसमें कंपनी चेक करो कौन सी, तो वो कहते हैं हाँ सर मिल गई कंपनी। मतलब अगर आपने बेसिक वर्जन ले रखा है, कौन सा वर्जन ले रखा है, बेसिक, तो कंपनी कितनी बार ओपन होगी, खाली एक बार, वन टाइम ओपन होगी। ड्यूल यूजर तो कितनी बार कंपनी ओपन होगी, दो बार, और मल्टी यूजर है तो 10 बार ओपन होगी, उससे ज्यादा ओपन अलग अलग जगह पे नहीं कर सकते। मल्टी यूजर में भी लिमिटेशन, आप कितनी यूज कर सकते हैं, 10। पुराना क्वेश्चन है, हाँ जी बोलो, सिंगल यूजर को भी हम दो कंप्यूटर पे चला सकते हैं, बेटे चल रही ठीक है। अब समझ में आ गया कौन से वर्जन में अवेलेबल होगा, स्टैंडर्ड। तो कस्टम कॉलम में यहाँ पर मिलेगा क्या ऑप्शन पे, वो अब भी मिलेगा, मिलेगा ड्यूल है, लेकिन कौन सा वर्जन, बीजी का कौन सा मॉडल है, चलेगा नहीं भी कस्टम कॉलम बन पाएंगे, कौन सा वर्जन आप बताओ, मुझे नहीं दिख रहा, चलेगा इसमें भी, चल जाएगा नहीं चलेगा, क्लिक करूं क्या लिख क्या रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड लेना चाहिए या फिर मैं कौन सा ले लेता हूँ, और F2 करके हो गए सेव, समझ आ गया इसमें। अब कहाँ चलते हैं, कंपनी ओपन करी, पासवर्ड यूजर डाला, कंपनी ओपन हो गई, कहाँ गए हम लोग, फिर कहाँ पर, कहाँ पर, फिर स्टॉक इन्वेंटरी, देन स्टॉक ट्रांसफर, ओके। अगर किसी एक पार्टी की ट्रांसफर की बात करेगा तो किस पर क्लिक करूंगा मैं, सोर्स एमसी पे। लेकिन वो अगर एक आइटम के बारे में पूछेगा तो किस पे, आइटम पे, और भी उस आइटम का नेम, जो भी उसने मुझसे बोला, ऑन करूंगा और ओके आगे। अब किस पे क्लिक करूं, कस्टम कॉलम, हो गया ऑन। कह रहा फॉर्मेट का नेम क्या रखना है, क्या रखना है, फॉर्मेट का नेम क्या रखना है। तो मैंने बोला सर मुझे फॉर्मेट का नेम ए बी एंड सी,
मतलब मैं कुछ भी रख सकता, ए बी सी डी कुछ भी जो मुझे फॉर्मेट नेम रखना है मैं रख सकता हूँ। मैंने क्या रखा, ए बी सी डी, तो किस पे क्लिक कर दिया, सेव पे, फिर सेव हो गया। एक बार बैक गया, दोबारा अंदर आऊंगा तो मुझसे पूछेगा स्टैंडर्ड पे निकालना या ए अंडरस्कोर बी या फिर अंडरस्कोर सी। मैंने किस पे क्लिक करा, ए बी सी। सर वही रिपोर्ट आ रही जो एक्चुअली पहले आ रही थी, अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं करा, हमने क्या बनाया खाली फॉर्मेट। अगर मुझे फॉर्मेट डिलीट करना है तब तो मुझे किस पे क्लिक करना पड़ेगा, फॉर्मेट को ओपन करके डिलीट। अब देखो दो चीजें होती है, ये जो ऐसे दिखता है ना, एक कॉलम होता है, मतलब अगर आप इसको देखो ना, एक और डी, ये क्या कहलाएगा, कॉलम, और ये क्या कहलाती है आपकी रो। ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कितने नंबर ऑफ कॉलम, कितने कितने, आठ। रो कितनी है इसमें, देखो नीचे लिखा भी होता है कौन सी रो पे खड़े हो आप, आठ। तो इसका मतलब कितनी रो है इसके डाटा में, कितनी रो है, एट रो है, खड़े कितने नंबर लोग। अब बीसी आपको दो ऑप्शन देता है, या तो आप कॉलम बना लो या तो आप रो बना लो। क्या बना लो, या तो आप कॉलम क्रिएट कर लो या तो आप रो क्रिएट कर लो। हमें भी रिक्वायरमेंट किसकी है, नहीं कॉलम की रिक्वायरमेंट, अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉलम या रो। हमने किस पे क्लिक करा, ऐड न्यू, हो गया। देन जैसे ही क्लियर करा तो यहां पर देखो लिखा हुआ है एफ वन F2, F3, क्या लिखा है, फिक्स कॉलम, U1, U2 और U3, then user defined field। आज के बाद समझना कि अगर कोई एप्लीकेशन में आप कुछ भी चीज क्रिएट करते हो तो क्या कहलाती है, यूजर डिफाइंड फील्ड। क्या कहलाती है वो, यूजर डिफाइंड फील्ड, मतलब आपने बनाई तो क्या कहलाएगी वो आपको, यूजर डिफाइंड फील्ड। आ गया समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर। सबसे पहले पूछ रहा है हेडिंग, जैसे इस नाम का क्या है, डेट है ना, मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए थी, डेट चाहिए, डेट तो बिजी में ऑलरेडी आ रही है, तो मैं डेट बनाऊ नहीं, मैं बैक गया, मैंने यहाँ पर सभी को टिक हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, किस पर टिक रखा खाली, क्यों, क्योंकि डेट मुझे चाहिए। किस पर क्लिक करा, फिर एक बार बैक, दोबारा अंदर गया, क्या मिल रहा डाटा में, सर डेट मिल गई। देन मैं कहां गया, अब मुझे क्या चाहिए, पार्टी का नेम, पार्टी का नेम सोर्स, क्या नाम है, सोर्स है, मैं किस पे क्लिक कर दूं, फिर स्केप, फिर इन, क्या गया, सोर्स, फिर कस्टम। क्या चाहिए मुझे, आइटम का नेम, आइटम का नेम है या कहीं, क्या करना पड़ेगा, ऐड हेडिंग क्या रहेगी, हो जाएगा आइटम नेम आ गया। देन हेडिंग क्या है, आइटम नेम। अब आती है पोजीशन, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट। वर्ड को तीन तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर देखो आप लोग, एक्सेल ओपन करा मैंने, ये बड़ा हो गया, इस पे क्लिक करा, आ गया। मैंने ये वर्ड लिखा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, मैंने इसको बोला कहां से स्टार्ट करो, मिडल आ गया, सेंटर, सेंटर आ गया, मैंने बोला लेफ्ट राइट, ये राइट, ये सेंटर, ये लेफ्ट, तो तीन ही वे होते हैं, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, या तो राइट से स्टार्ट करेगा, या वो सेंटर। अब आपसे पूछ रहा है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई नंबर की बात करे तो कहां से स्टार्ट करा करो, राइट से। एज अ प्रोग्रामर अगर आप काम कर रहे हो, कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो ना, तो जो नंबर से स्टार्ट होते हैं उसके लिए हमेशा राइट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, राइट। और जो अल्फा होते हैं या टेक्स्ट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट, क्या लेते हैं हम लोग, लेफ्ट। हमेशा याद रखना कुरान, ये कहीं भी आप कहीं कस्टम कॉलम बनाने जाओ, एज अ जेन्युइन जेन्युइन थिंग आता है, बट एक रियली देखा जाए तो आपको क्या लेना है वहां पर, अगर नंबर की बात है तो क्या लोगे आप, राइट, अभी बोला है आप कह रहे हो, अभी क्या लोगे आप, राइट। और अगर आप
कैरेक्टर लेते हो देन लेफ्ट। आइटम का नेम किस में आएगा? कैरेक्टर में आएगा ना, तो मुझे क्या लेनी चाहिए पोजीशन? लेफ्ट। लेकिन ये पोजीशन वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, ये इस पोजीशन की बात कर रहा है कि F1 के बाद लेना है, F2 के बाद या F5, कौन सी पोजीशन के बाद लेना है मुझे? क्या लेना है मुझे? F5। अगर मैं फर्स्ट करूंगा तो कहां पर इंसर्ट होगा? पहले कॉलम पे। मैं लास्ट करूंगा तो कहां इंसर्ट होगा? सबसे लास्ट में। अगर F1 करूंगा तो कहां ऐड होगा? F1 के बाद। अगर F2 करूंगा तो कहां ऐड होगा? अगर F5 करूंगा तो कहां ऐड होगा? एंटर मार दिया। देन अब आ गया डाटा टाइप। क्या आ गया? डाटा टाइप। देन टैक्स, यस नो, नंबर, देन नंबर डीआर एंड सीआर। मुझे हाँ क्या मैंने यहाँ पर ये आइटम क्या लेना चाहिए? टैक्स। अब यहाँ आ गई अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर। क्या आ गया? लेफ्ट राइट सेंटर। ये टैक्स की बात कर रहा तो क्या लेना चाहिए मुझे यहाँ पर? लेफ्ट। क्या लेना चाहिए? लेफ्ट। फिर बीसी मुझसे पूछ रहा है कि कितने नंबर का कॉलम आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला सर 10 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10 डी से ज्यादा नहीं। आप इसको हम लोग 4-3 कर देते हैं। कितना कर देते हैं फिलहाल? अभी 3 कर दिया, 3 हो गया। अब यहाँ हमें मिला डाटा टाइप। क्या मिला? डाटा टाइप। डाटा टाइप या डाटा फील्ड। देन हमसे यहाँ पर चार टॉपिक आ गए। ना तो हमें कभी अकाउंट मास्टर पे ध्यान देना है, ना कभी अकाउंट आइटम मास्टर। हमें हमेशा दो चीजों पे ध्यान देना है। किस पे? इन्वेंटरी हेडर या इन्वेंटरी बॉडी। मैंने यहां से F8 करा। क्या करा? F8 करा। जो पूरा दिखता है ना ये वाउचर हेडर कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो बीच का पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा आपका? बॉडी। क्या कहलाएगी? बॉडी। क्या कहलाएगी आप लोगों की? बॉडी। आगे समझ में? इस बीच के हिस्से को छोड़ दो तो बाकी सब क्या बन जाएगा आपका? हेडर। और अगर इसी हिस्से को इंक्लूड करोगे तो क्या बनेगा आपका? बॉडी। इसमें कोई डाउट है किसी को? बिल सेंड्री भी, बिल सेंड्री भी पार्ट ऑफ द हेडर है। किसका पार्ट है वो? हेडर का पार्ट है। दोबारा मैं सिस्टम के अंदर इसमें सिलेक्ट, देन किस पे क्लिक करेंगे? स्टॉक ट्रांसफर पे। ओके, देन यहां से क्या ले लेंगे? वन आइटम, देन डिजाइन नंबर वन। ओके, देन एबीसीडी एंड देन ओके। आगे दो चीज अब हम किस पे बात कर रहे थे? कस्टम पे आइटम के लिए। सबसे पहले हमने एडिंग डिस्कस कर ली थी। क्या लगा था एडिंग में? आइटम नेम, देन पोजिशन आफ्टर F5, टैक्स लिया था, अलाइनमेंट लेफ्ट लिया था, नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 लिए थे। हम बात कर रहे थे दो चीजों की। सर नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, हाँ आइटम का नाम है सर। हाँ हाँ अभी दिखाता हूँ। इन्वेंटरी वाउचर हेडर और इन्वेंटरी वाउचर बॉडी, दो चीजें समझ में आई होंगी। अभी मैंने बोला जो इस हिस्से की बात कर देना पूरे की, ये क्या कहलाता है आपका? वाउचर हेडर। लेकिन ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाती है आपकी? बॉडी। क्या कहलाती है आपकी? बॉडी। दो ही पार्ट होते, एक हेडर और एक आपकी बॉडी। अब बात आती है आइटम की। आइटम किसका पार्ट है? बॉडी। किसका पार्ट है? बॉडी।
मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, मैंने बोला जो इसके बीच में आती है वो क्या है आपकी body. यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी बॉडी. तो मुझे फील्ड में क्या लेना चाहिए था कैटेगरी में इन्वेंट्री वाउचर बॉडी. मैं जैसे ही इस फील्ड पे क्लिक करूंगा ना मेरे पास ऊपर कैटेगरी आ जाएंगी. कह रहा क्या चीज आप देखना चाहते हो, आइटम नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट, मार्कअप, वाउचर, हेडर, क्या देखना है. मैंने कहा आइटम के बारे में देखना है. मैंने इस पे एंटर मारा तो मुझे क्या देखना है सर, मैंने बोला आइटम नेम. तो यहाँ कुछ मिल रहा है मुझे नहीं 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 नीचे एम के बाद एन आइटम नेम क्लिक हो गया. देन किस पे क्लिक करा, सेव पे, फिर सेव पे, फिर सेव पे और देन सेव. और क्या लिख क्या रहा है कब होगा. देन बैक करा, दोबारा एंटर मारा और ओके करा. क्या कितने शो हो रहे हैं, तीन ही वर्ड शो हो रहे हैं. कितने वर्ड शो हो रहे हैं, तीन. समझ में आया. इसका मतलब ये है कि जहां अगर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर डालोगे रिपोर्ट में उतने ही वर्ड आपको क्या होंगे दिखेंगे. अगर मैंने तीन की जगह छह करता तो मुझे कितने दिखते, बैक सिक्स आ गए. देन अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा लेता देन कितने शो करते, मैं अगर यहां टेन करूंगा तो कितने शो करेगा वो, टेन ही कैरेक्टर शो करेगा. बैक आगे टेन कैरेक्टर, कोई डाउट है इसके अंदर. देन अब हमें चाहिए क्वांटिटी. क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी. मैं किस पे क्लिक करूंगा, फिर एड, नहीं क्वांटिटी तो आई थी तो किस पे क्लिक कर लेंगे हो जाएगा. क्वांटिटी के बाद क्या बोला उसने हमसे, जॉब वर्क. क्या बोला उसने, जॉब वर्क. तो अब हमें जॉब वर्क बनाना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, एड कॉल. क्या नाम रखा मैंने, जॉब वर्क. आ गया पोजीशन. इसके बाद चाहिए मुझे F7 के बाद, नहीं क्वांटिटी पे क्लिक होने होगा ना यहाँ पर. इस पे क्लिक कर दूं, सेव कर दूं, ओके बैक करूं, दोबारा अंदर आऊं, फिर कहाँ जाऊं, कस्टम, इंटर, देन जॉब पोजीशन. क्या पोजीशन है इसकी तभी बताएंगे. क्या लू, F6 ले लू, क्या होगी इसमें, F7 बोलो. बाद में बॉडी में आए. अब सर बॉडी लोगे हेड एंड लोगे, अब किसकी बात कर रहा है वो, जॉब वर्क की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है वहां पर, जॉब वर्क. तो जॉब वर्क होता है बॉडी का पार्ट है, हेडर का पार्ट है. किसका पार्ट है, क्या है हेडर का. यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जॉब वर्क लिया है, डाटा टाइप. हाँ तो क्या हुआ, तो अमाउंट में नहीं आता, अमाउंट में ले लू, तो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ले लू. क्या जाएगी बॉडी, नहीं सर हेडर. एंटर मारा, जैसे ही एंटर मारा तो यहाँ पर देखो आगे कंपनी, वाउचर, पार्टी, मटेरियल सेंटर, सेल्समैन, क्वांटिटी, डिस्काउंट और अब जॉब वर्क किसी को देते तो कहाँ देते हो, कहाँ देते हो जॉब वर्क किसी को देते हो, तो कहाँ देते हो, बिल्स एंट्री में देते हैं ना, किसी को भी पैसा देते हैं, बिल्स एंट्री कहलाती है ना. इसके नाम होते हैं, अगर जिसने इसकी कोडिंग करी है उसने इनके नाम दे रखे. क्या दे रखे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना तो क्या बनेगी, बी और एस. क्या शॉर्ट फॉर्म बन गए, इसकी शॉर्ट फॉर्म बी एस वन. क्या शॉर्ट फॉर्म बनी इसकी, बी एस वन, बी एस टू, बी एस थ्री, बी एस फोर, बी एस फाइव, बी एस सिक्स. ऐसी इसका नाम बनेगा बी एस वन नेम. क्या बनेगा इसका नाम, बी एस वन नेम. इसका क्या बनेगा, बी एस परसेंटेज, बी एस यूनिट, बी एस वन अमाउंट. ऐसी बी एस वन टू नेम, बी एस टू परसेंटेज, बी एस थ्री अमाउंट. समझ में आ गया. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, नहीं बी एस परसेंटेज, इसको परसेंटेज बोलते हैं. जो थ्री लिखा था वो किसके अंदर जाती है, परसेंटेज के अंदर. तो मैं किसमें जाऊंगा, बिल सेंट्री. देखो मेरे पास बिल सेंट्री करी तो मेरे पास एक बहुत सारी आ गई. क्या आ गई, मुझसे पूछ रहा है बिल सेंट्री अलियास, बिल सेंट्री अमाउंट, बिल सेंट्री बेस,
नेम नरेशन ऑपरेशन पार्टी अकाउंट परसेंटेज परसेंटेज नेम सेल्समैन सब टोटल टाइप एलियास ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये होती भी हैं कभी आपने अगर पार्टी बिल सेंट्री बनाई है ना तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। जैसे बिल सेंट्री आप बनाते हो मैं यहाँ पर जॉब करती खोल रही हूँ एलियास नेम होता है ये हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती तो उसका शॉर्ट नेम क्या बन जाता है बी एस वन। अगर ये पहले नंबर पे तो उसको क्या बोलेंगे बी एस वन। अगर ये दूसरे नंबर पे तो क्या बोलोगे इसको बी एस टू। अगर ये तीसरे नंबर पे तो क्या बोलोगे बी एस थ्री। हो गया तो मैं इसमें क्या लेना चाहिए मैं लेता बी एस वन परसेंटेज किस पे सेम पे देन ओके देन से हो गया सेव यस करा बैक करा एप टू से ऑन करा आगे ₹3 ₹8 ₹40 और ₹8। ये प्रेसिंग वाले ने लिए हैं ये वॉशिंग वाले ने लिए हैं ये हमारे स्टिचिंग वाले ने लिए हैं और ये हमारे कटिंग वाले। उसके बाद उन्होंने बोला इनका अमाउंट भी निकाल लो टोटल कितना कि इसने कितने रुपए लिए कितने रुपए लिए इसने 15। मैं गया कस्टम कॉलम पे एड ठीक है टोटल अमाउंट फॉर जॉब वर्क कितने के बाद चाहिए यू टू के बाद तो हमने क्या लिया एड यू टू आ गया। टाइप में क्या लिया क्या लिया न्यूमेरिक लिया। अब मैं फील्ड यूज नहीं करूंगा क्या नहीं करूंगा फील्ड अब मैं फार्मूला यूज करूंगा क्या यूज करूंगा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है देखो फार्मूला उसी जगह पे काम करेगा जहां आपने क्या लिए नंबर। फार्मूला समझ में आता है ना अगर मैं बोलूं सूरज इसका आंसर देना 2 + 3 टोटल करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा ना। कैसे करते हैं टोटल दिस प्लस दिस तो रिजल्ट कितना आ गया मेरा 5। क्या है रिजल्ट मेरा 5। हमने क्या यूज करा इसके बीच में प्लस करा ना देन अगर मुझे इसको 3 से इंटू करना तो क्या करता हूं मैं दिस इंटू दिस ये हो गया मेरा ठीक है। इसके बीच में ऑपरेटर भी तो काम कर रहे हैं आप ऑपरेटर यहां लगा लो कहां पर इस फंक्शन में उसने बताया भी है f1 + f2 मुझे किसका टोटल निकालना है क्वांटिटी इंटू जॉब वर्क किसका करना है क्वांटिटी के साथ अगर मैं जॉब वर्क बैक आ गया क्वांटिटी कितनी है अगर मैं इसको 3 रुपए से इंटू करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है दो ऑप्शन है मेरे पास कितने ऑप्शन है दो वे है ना मेरे पास एक तो फील्ड उठा लूं मैं कौन सी फील्ड कस्टम में जाऊं क्या दूं एट जॉब वर्क क्या नाम जॉब वर्क अमाउंट लिख दूं चलेगा पोजीशन यूट्यूब टाइप में न्यूमेरिक फील्ड में आया मैंने यहां पर क्या ले लिया मैंने आप बॉडी ली फील्ड में गया किस पे बॉडी ले ली हेडर लेना क्या फील्ड लगेंगे बी बिल सेंडरी अमाउंट आ गया सेव करा ओके बैक करा दोबारा ऑन करा आ गया। लेकिन सर अगर ये बाय फार्मूला करते हैं या कोई दूसरा मेथड हो तो क्या वो भी कर सकते हैं हाँ वो भी कर सकते हैं कहाँ जाओ कस्टम पे आओ एड न्यू बना लो टोटल पोजीशन यू टू के बाद ले लो यू थ्री तो अभी डिलीट कर देंगे इस पे टाइप नंबर देन ध्यान दो क्वांटिटी कितने नंबर पे 7 तो क्या लिखूंगा फार्मूला आ गया क्या लिखूंगा F7 क्या लिखूंगा F7 प्लस हाँ नहीं इनटू किससे
U1 से U2 से U2 से हो गया। देन किस पे क्लिक कर दो? सेव पे। F2 आ गया, बैक करो। आ गया सर, इस पे 50% प्रॉफिट भी लेना है। इस अमाउंट जो भी कॉस्टिंग निकल गया ये ना, ये वाली कॉस्टिंग निकल गया इन दोनों को जोड़ने के बाद, उसका मुझे प्रॉफिट भी देखना है। क्या देखना है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर पहले कस्टम पे जाओ, टोटल क्या अमाउंट है, तो आप इस प्राइस वाले पे टिक कर दो। किस पे टिक करो? सेव कर दो। ओके सेव हो गया। क्या करना है? बैक दोबारा। कितना आ गया इसका? 90। इस पे चाहिए प्रॉफिट मुझे? किस पे प्रॉफिट चाहिए मुझे बोलो? 90 माइनस 1500। नहीं नहीं क्या प्रॉफिट कर दो? प्रॉफिट ऐसे कोई निकलता है? प्रॉफिट टोटल कॉस्टिंग जोड़ने के बाद जो आए, टोटल जो खर्चा है उस पर कॉस्टिंग जोड़ने के बाद। अभी मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 90। अभी तो ये 3 रुपए, ये 90 रुपए आ गए हैं, हम ये आ गए ना। मैं चाहता हूँ कि जहां मैं खड़ा हूँ वहां का 60% मुझे निकालना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पे कॉस्टिंग कितनी रुपए? 90 रुपए। मुझे इसका 60% प्रॉफिट लेना है इस समय। कितने लेना है? 60। सभी पे 60% लेना है, जितनी बार नीचे आएगा। तो कहाँ जाऊंगा? कस्टम पे, एड न्यू, देन प्रॉफिट, पोजीशन U4 कर दू, टाइप में टेक्स्ट, एंड देन न्यूमेरिक लेना। क्या लेना था? न्यूमेरिक। देन यहाँ पर फार्मूला, फार्मूला क्या लगेगा आपका? कि प्राइस, प्राइस कितने नंबर पे? तो F11 इनटू 60 कितने कर देगा? 160 नहीं करेगा। आप कैसे करते हो सर? आप फिर प्लस भी करोगे दोबारा F11? अच्छा था नहीं। हाँ मुझे प्लस भी करना, अभी ये निकाल लेते हैं। डायरेक्ट 160 कर दो, 160 नहीं कर सकते। सेव करा, प्रॉफिट तो। अब क्या मैसेज आ रहा है? ठीक है, परसेंटेज हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर मैं 0.6 लिख दूंगा तो क्या दिक्कत है किसी को? आपको समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, देखो 100 है। अगर आप उसका 60% निकालोगे तो कैसे? 6 इंटू डिवाइड बाई 100 करोगे, क्या मिलता है आपको रिजल्ट? ये मिलता है ना? फिर बस आप ज्यादा नहीं करो, इसको सेव कर दो। सेव कर दो, सेव। अल्टरनेटिव तरीके उठाओ ना। हाँ भाई अभी देखते हैं, आगे प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 54 रुपए। लेकिन सर ये तो प्रॉफिट आगे, मैं चाहता हूँ इसमें प्लस हो गया है। इसमें हो गया है 90 रुपए में प्लस हो गया है। तो क्या करूंगा? कस्टम कॉलम कौन सी फील्ड थी? प्रॉफिट। फिर इसके आगे किसने प्लस कर दूंगा? प्लस आगे समझ में? F2 सेव, बैक। नहीं सर एक बार और क्लिक करो, F2 बैक आओ, देन F2 करके ऑन करो। आ गया यहाँ पर सर 144 पे हो गए, यहाँ पर 44, 157, 157, 211 और देन लास्ट ऑफ द 234 रुपए की पड़े। कोई डाउट है इसमें? ये कस्टम बोल रहे हो, समझ नहीं आया दोबारा? पूरी समझ नहीं आई या यही आपकी फिर नहीं आई? मेरे हिसाब से सर, मेरे हिसाब से देखो ये जो 60% आया था ये प्रॉफिट ही होना चाहिए। कि उसमें मतलब टोटल करके दिखाने में फायदा कुछ है नहीं ना, पता नहीं चलेगा उसमें कितना प्रॉफिट। ये आप आपकी रिक्वायरमेंट है तो कर लेना, हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। मैं सारी फार्मूले वाली डिलीट कर रहा हूँ, अभी एक को नहीं समझ में आया, आप लोग देख लेना। मैं आपका क्वेश्चन ठीक है सर, एक और चीज अब मैं कर सकता हूँ? तो दो मिनट, तो एक को नहीं समझ में आया, डिस्कस कर।
और किसका फार्मूला लगाया था मैंने? देखो यहाँ पर हमें रिजन फार्मूले की कोई जरूरत नहीं थी, बट हमने एक सीखने के लिए लगाया कि अगर इसी आंसर को जो हम यहाँ पर 1500 रुपए लाए, हम किससे लेके आए? फील्ड से लेके आए। हमने यहाँ गए, हमने कॉलम बनाया, कॉलम का नाम क्या रखा? जॉबर अमाउंट। और हमने क्या ले लिया? जो बिल्स एंट्री 1 में जो अमाउंट है वो बीजी की रिपोर्ट में क्या कर दो? शो कर दो। ये हम ला सकते थे। हमने देखा कि सर यहाँ पर फील्ड वैल्यू डिटेल में तीन ऑप्शन है, पहला डाटा फील्ड था, दूसरा फार्मूला बेस था, और तीसरा एसक्यूएल क्वेरी थी। हमारे पास पहला तो हमें पता है कि फील्ड से हमें आंसर मिलेगा, लेकिन अगर मैं अपनी मैथमेटिकल स्किल को यूज करना चाहता हूँ, उसके बाद फार्मूला लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाऊंगा? तो बीजी ने यहाँ बोला है जैसे आपको किसी का टोटल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसने बोला जिसका भी टोटल करना है बस उसके आगे क्या होना चाहिए? नंबर। और जिसको प्लस करना है उसकी फील्ड ले लो। जैसे मुझे जॉब वर्क को प्लस करना था, क्या करना? जॉब वर्क। तो जॉब वर्क की फील्ड कितनी है? यूट्यूब। क्वांटिटी की फील्ड कितनी है? तो मैंने F7 करा इनटू इससे मार्क कर दिया, यूट्यूब से कर दिया, फिर किस पे क्लिक करा? सेव पे। सेव पे क्लिक हो गया, सेव पे करा, ओके आ गया, आ गया सेव, बैक गया, दोबारा अंदर आया, खुल गया, 1500 रुपए का अमाउंट आ गया ना। अब मैंने बोला ये 1500 रुपए आ गए, मुझे इस पे प्रॉफिट भी निकालना है 60%। कितना प्रॉफिट निकालना है? 60%। इस पे जो जॉब वर्क आई है ये वाली 90 रुपए पे, इस पे कितने परसेंट प्रॉफिट लेना है? 60। यहाँ पर कोई भी कस्टम कॉलम या कोई भी फील्ड आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अब कोई फील्ड ऐसी नहीं जो प्रॉफिट निकाल के दिखाती हो। कोई परसेंट 30% लेता है, कोई 20% लेता है, कोई 10% प्रॉफिट लेता है। अब ऐसा कोई फील्ड है नहीं। तो मैंने क्या करा? चार्जर हो गए, चार्जर।